देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस से लगातार जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि सरकार ने कुछ रियायत दी है, फिर भी लोग स्वास्थ्य और सुरक्षा को दरकिनार करते हुए संकट का कारण बने हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता राजन सिंह की एक खास रिपोर्ट। भीख मांग रहे हो? मम्मी पापा कहाँ हैं आप लोग के? मम्मी पापा घर पे। तो आप लोगों को मम्मी पापा ने मास्क नहीं दिया? अभी पता है क्या चल रहा है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में क्या होता है? मतलब कोरोना फैल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मुंह पे मास्क लगाना चाहिए ना? लखनऊ का ये कोनेश्वर चौक है, जहाँ पर आपको बता दें कि लॉकडाउन की क्या स्थिति है, हम आपको आप प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे लोग बाग यहाँ पे किस तरह से भीड़ एक जमा है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि ये देखिए पुलिस जो इधर, हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे दाईं तरफ दिखाएं, पुलिस जो बैरिकेडिंग लगाई है वहाँ पे कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। बाकायदे लोग जैसे जिसको मर्जी, दो लोग तीन लोग बैठ के जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लॉकडाउन की जो स्थिति है, एक जो गंभीर स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से कांग्रेस सरकार एक आरोप लगा रही थी कि अब बीजेपी के पास कोई प्लानिंग नहीं है कोरोना वायरस को रोकने के लिए, इनकी सारी जो प्लानिंग थी अब फेल होते हुए नज़र आएगी। और वही आपको दिखा दें कि देखिए किस तरह से दुकानें भी खुली हैं और लोगों की कितनी एक भीड़ जो है आपको शहर के, लखनऊ शहर के हर कोने में आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई मास्क लगा के चल रहा है तो कोई बिना मास्क के चल रहा है। अब योगी सरकार पे एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में इतनी बड़ी समस्या को लेके ये चुप क्यों बैठी है, जबकि आपको बता दें कि दो दिन पहले की बात है, एयरपोर्ट के बगल में जो एरिया है वहाँ पे 5 कोरोना महामारी से जो एक वायरस जो है लोगों को होता है, एक ही परिवार को होता है, वहाँ पे डीएम अभिषेक प्रकाश जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, एरिया को सील करते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है, क्या कोरोना वायरस होने के बाद ही एक्शन लिया जाएगा? उससे पहले अगर ले लिया जाए, इन लोगों को रोका जाए, जिस तरीके से पहले लॉकडाउन हुआ था स्थिति काफ़ी नॉर्मल थी, लोगों में कम एक आशाएँ जताए जाते थे कि कोरोना वायरस शायद ही फैले, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनाई गई थी वो काफ़ी हद तक सही था। लेकिन अब वाकई चिंता की एक विषय है कि अगर लखनऊ को कोरोना वायरस से फिर से दोहरी मार अगर झेलनी पड़ी तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लखनऊ से अलाइव 24 के लिए राजन सिंह। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।